हेलो एवरीवन आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेल दिस इज मी सैयद शुजातुल्लाह वेलकम टू इखरा आईएएस करंट अफेयर्स चैनल चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी और गवर्नेंस रिलेटेड और हम पढ़ने वाले हैं वेरी कंट्रोवर्शियल अभी जो चल रहा है इंडिया में द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और द टॉपिक व्हिच इज़ मोर कंट्रोवर्शियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो है दिल्ली के म्युनिसिपल एक्ट के

और जब वायलेट हुए तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर रिस्पॉन्स था सुप्रीम कोर्ट वो वायलेशंस एक्सेप्ट करी है या सुप्रीम कोर्ट वो वायलेशंस को निकाल दी है और ये बोली है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते बिकॉज फेडरल कैरेक्टर हमारा एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं और एज बिकॉज इट इज़ अ वेरी बर्निंग टॉपिक तो आप भी आगे जाके इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी आने वाले हैं और न्यूज भी चलते रहेंगी जब तक ये पूरा रुक नहीं जाता राइट सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज सराउंडिंग दिल्ली स्टडीपल अमेंडमेंट एक्ट ओके प्रोविजंस कौन से कौन से कॉन्ट्रोवर्शियल है वो भी पढ़ने वाले हैं अपन और सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है टू बैलेंस द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अवर कंट्री और दिल्ली मुंसिपल एक्ट ओके ये सिर्फ एक्ट

Let us go ahead. कि मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि कभी भी आप हिंदू एडिटोरियल जब भी पढ़ते हैं द मेनिंग के नीचे जो भी रहता है ये बहुत सिंपल वे में बहुत abstract वे में पूरे आर्टिकल में क्या बोला गया है और पूरे आर्टिकल का थीम क्या है आपको तीन लाइन में मिल जाएगा राइट right. द interference ऑफ सेंटर इन द मैटर्स सच एज मुंसिपल इशूज स्ट्राइक ए ब्लो अगेंस्ट द मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन तो आप ये तो समझ गए होंगे तो यहाँ पे सेंटर ने स्टेट के मैटर्स बिकॉज म्यूनसिपलिटीज और पंचायत स्टेट के अंदर होते हैं सेंटर ने क्या किया है स्टेट के मैटर्स लाइक म्यूनसिपल इश्यूज को ट्विक किया गया ट्विक किया है उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मॉडिफाई कर दिया गया है ओके सेंटर एंड इट ज ए ब्लो टू वॉट डिस तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिफोर गोइंग इन टू वॉट इज इन द आर्टिकल लेट सी नाउ की असल ये कॉन्सेप्ट है क्या राइट सो फेडरलिज्म का मतलब है जनरली ओके फेडरलिज्म का मतलब है एक नेशनल गवर्नमेंट रहनी चाहिए ओके सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हैं एक रीजनल गवर्नमेंट भी रहनी चाहिए रीजनल गवर्नमेंट भी रहनी चाहिए ओके okay, ये रीजनल गवर्नमेंट स्टेट भी कहलाती है स्टेट गवर्नमेंट ये रीजनल गवर्नमेंट आप मुंसिपालिटीज़ बोलिए मुंसिपल कॉर्पोरेशंस बोलिए कंटोमनेट बोर्ड्स बोलिए इस तरीके से भी कही जाती है क्योंकि ये भी एक तो रीजन है ये भी एक तो एरिया है और आप पंचायत को भी बोल सकते हैं रीजनल गवर्नमेंट ओके बेसिकली पहले जब ये पार्ट नाइन्थ एंड पार्ट नाइन्थ ए जब आया नहीं था जब म्यंसिपालिटीज और पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन में डाले नहीं गए थे बाई सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेडमेंट एक्ट रीजनल गवर्नमेंट गवर्नमेंट का मतलब था सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अभी इसका एलाबरेट हो गया है डेफिनेशन बिकॉज ऑफ दी सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अपने पास म्यूनिपल्टीज और पंचायत राज आ गए हैं इस वजह से अभी रीजनल गवर्नमेंट हम इसको भी बोल सकते हैं इसको भी बोल सकते हैं इसको ही बोल है, बोलते हैं राइट सो फेडरलिज्म का मतलब है एक नेशनल गवर्नमेंट रहनी चाहिए एक रीजनल गवर्नमेंट रहनी चाहिए और बोथ शुड वर्क इन देयर रेस्पेक्टिव ईयर्स इन दे रेस्पेक्टिव स्पीयर्स ओके ठीक है और ये कौन से स्पीयर में काम करेंगे इनका जूरिजेक्शन क्या है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट की जब फेडरलिज्म का आता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट की फेडरलिज्म हम नहीं भी बोलते हैं रिटर्न okay, कॉन्स्टिट्यूशन होता है देन वो कंट्री में आपको बेसिकली मेजरली आपको फेडरलिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक दिखता है नथिंग बट ये दो गवर्नमेंट का आपको सेटअप दिखता है ठीक है तो आप याद रखिए ये पूरे नेशनल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट लाइक स्टेट गवर्नमेंट दिस आर ऑल कॉलेज वॉट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बोलते हैं इसको दिस आर ऑल कॉलेज वॉट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जैसे कि विलेजेस रहेंगे ये लोवेस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है और इनको ये रीजन को गवर्न करेगा पंचायत राज इससे थोड़े बड़े बड़े रहेंगे म्यूनसिपलिटीज ओके उससे बड़े रहेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पूरे स्टेट को देखेगा तो दी आर ऑल एज वट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और कौन ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चलाएगा ओके इट इज़ प्रॉपरली गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है सो दैट्स वाई अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फेडरलिज्म है ओके हमारा जो फेडरलिज्म है वो ट्रू फेडरलिज्म नहीं है ओके जस्ट लाइक आई हैव जस्ट टोल्ड यू अभी मैं बोला था आपको एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरलिज्म में जहाँ पे ये प्रॉपरली लिखा जाता है कि नेशनल गवर्नमेंट कौन से कौन से स्पीयर में काम करें इनके क्या आइटम्स हैं इनके क्या सब्जेक्ट्स हैं इनके क्या मैटर्स हैं ओके किस किस ओके okay, टॉपिक्स पे वो लाभ बना सकते हैं वो पॉलिसी बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट में सेम टू सेम किस किस सब्जेक्ट्स पे वो लाभ बना सकते हैं तो ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में ही मुमकिन है क्योंकि वहीं परॉपरली लिखा गया होता है राइट सो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बेसिक फीचर ऑफ वॉट फेडरलिज्म और एक भी है रिजिट कॉन्स्टिट्यूशन रिजिट कॉन्स्टिट्यूशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एमेंड करना है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से एमेंड नहीं कर सकती है बिकॉज यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी एक खुद की एक इंडिपेंडेंसी है इसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका भी एक इंडिपेंडेंट नेचर है ओके okay, तो अगर कोई चीज आप एमेंड कर रहे हैं जिससे स्टेट्स को भी ओके okay, इफेक्ट पड़ेगा देन डेफिनेटली वैसे मैटर्स को ओके okay, एमेंड करने में इतना आसानी नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ओके okay, उनको जाना पड़ेगा कि 14 स्टेट की सहमति लेके फिर अमेंड करना पड़ेगा जस्ट लाइक जीएसटी क्योंकि जीएसटी देखिए आप टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी पूरे इंडायरेक्ट टैक्सेस सबोज्यूम करता है राइट right और रॉन्ग मैक्सिमम इंडायरेक्ट टैक्सेस सबोज्यूम करता है जीएसटी तो जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस भी अंदर चले गए स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी अंदर चले गए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक ला पास कर देती थी, थी कि पूरे इंडायरेक्ट टैक्सेस सबज्यूम करने वाले हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर्स दिया गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन में तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स है वो वायलेट हो जाते थे राइट तो ये जीएसटी इस तरीके से अमेंड नहीं हुआ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से अमेंड हुआ है ओके ऐसे अमेंडमेंट को हम जनरली बोलते हैं रिजिकट अगर कभी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी अमेंड करती है और उससे वो अमेंडमेंट में हम स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत मिनिमम है तो फ्लेक्सिबल होता है ओके दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बट हमारे पास फेडरलिज्म का इतना ज़्यादा महत्व है यहाँ पे कभी भी फेडरलिज्म अगर इफेक्ट होता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के थोड़े पावर्स लेना से लेने के लिए देखती है स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स इंक्रोच करने के लिए देखती है तो ये अमेंड करना ओके okay, इतना आसान नहीं होगा अगर कर भी दिए तो ये कोर्ट में जाके वहां पे फ्लॉ और इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप आपके सब्जेक्ट देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स आप आपके सब्जेक्ट देखिए तो दिस इज़ एक्चुअली द टू फेडरेशन विच इज़ नॉर्मली फॉरड इन मी बाउट यू एस ए कैनेडा बट हमारा ऐसा नहीं है हमारा फेडरेशन रह के भी कॉजी फेडरल हो गया ये हमारा फेडरेशन रह के भी कॉजी फेडरल हो गया जिस तरीके से गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है स्टेट में ओके okay, स्टेट का हेड कौन होगा सीएम होगा राइट right? एंड एंड स्टेट गवर्नमेंट सिट शुड ओनली अपॉइंट गवर्नर राइट अगर इस तरीके से होता है तो ये ट्रू फेडरेशन होता है बट हमारे पास ऐसा नहीं है हमारे पास गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसके लिए अपॉइंट करती है एक स्टेट के लिए अपॉइंट करती है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा बहुत बयास है ओके okay, थोड़ा बहुत बयास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉर्स है फ्रॉम दॉन्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड अवर फेडरेशन लिटिल बिट बयास टूवर्ड्स वॉट

म्यूनसिपल इलेक्शंस नज़दीक थे म्यूनसिपल कमिश्नस होने वाले थे तो इन्होंने ओके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा था पाँच बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस करने वाले थे कि दिल्ली के इलेक्शंस कब होंगे म्यूनसिपल के बट फिर से उन्होंने ये इन्फॉर्म किया मीडिया को अभी इलेक्शन का शेड्यूल मैं नहीं दूंगा बिकॉज सेंटर से मुझे ऑर्डर आया है कि ये पूरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को हम यूनाइट करने वाले हैं जनरली दिल्ली के दिल्ली पूरी यूनियन टेरिटरी को गवन करने के लिए तीन कॉरपोरेशंस हैं ओके नॉर्थ साउथ इस तरीके से तीन कॉरपोरेशंस हैं और जिसका एरिया उन्होंने देखते हैं प्रॉपरली गवन कर लेते हैं ओके तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अभी इलेक्शंस मत कराइए क्योंकि हम इसका हम इसको यूनिफाई करने वाले थे हम इसको यूनिफाई करने वाले हैं इस वजह से क्या हो गया इस यूनिफिकेशन के वजह से क्या हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्टॉप इलेक्शन इन डेली तो ये सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी आप अरविंद केजरीवाल को सुन सकते हैं वो हमेशा बोल रहे हैं जब से कि डेली इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया है और म्यूनसिपल इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया है वो बोल बोलते आ रहे हैं कि लड़िए आप क्यों डर रहे हैं आप लड़िए मैं रेडी हूँ मुंसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके तो सो ये इन्फ्लूच हो गया क्या इन्फ्यूंश हो गया ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के सिपल इलेक्शंस में एक यूनियन टेरेटरी के मुंसिपल इलेक्शंस में इंटरफेयर हो गई है इंटरफेयर हो गई है ये फेडरलिज्म में ये नहीं होता है ओके, सो दिस इज़ इज़, व्हाट इट बट ये तो ऑफिशियली ये बोलना था कि हम यूनाइट कर रहे हैं दिल्ली के तीन मुंसिपल कॉरपोरेशन को हम एक बना रहे हैं बट एक्चुअली में जब हम प्रोविजन पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा से ज़्यादा मुंसिपल पावर्स अपने हाथ में रखना चाहती है और लार्ज स्केल उसम्स करी है जिस लाइक आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा दिल्ली का मुंसिपल कॉरपोरेशन था अब सेंट्रल गवर्नमेंट ओके ला लेके आके ऐसा बाहुबली के ऐसा उनके ऊपर बैठ गया है अभी सीएम और काउंसिलर मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और उनके साथी की कोई नहीं सुनेगा बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट अब वहां से डिसीजन लेगी तो फिर इनका क्या ही रहेगा रोल ओके इन द गवर्नेंस ऑफ द पीपल आप देख सकते हैं एक सीएम के पास ना पुलिस है एक सीएम के पास ना मुंसिपल कॉरपोरेशन है अगर इस तरीके का अगर गवर्नेंस डायरेक्ट सेंटर से होता है तो फिर ये सीएम और उनके मिनिस्टर का वजूद ही क्या है और इनका एग्जिस्टेंस के मायने भी क्या है किसी को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है राइट एक्चुअली सेट की हम यूनिफाई कर रहे हैं ओके okay. दिल्ली मुंसिपल कॉरपोरेशन जो टाइप ट्राइफ, ट्राइफर है जो तीन भागों में बटा हुआ है हम उसको यूनिफाई कर रहे हैं ये बोला गया था बट

कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या हाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोली है कि आर्टिकल टू नाइन टू थर्टी नाइन ए एफ दस्टिट्यूशन इट प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली ओके ये आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली का स्पेशल स्टेटस दिया गया है और पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने भी ये कहा था कि हम जो लॉ बना रहे हैं ये लॉ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए ए थ्री बी के हिसाब से बना रहे हैं हम कोई ला थोप नहीं रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा गया है पावर्स हम ये पावर्स को ही यूज़ कर रहे हैं द लॉ प्रोवाइड्स ये जो लॉ है द लॉ प्रोवाइड द पावर टू डिटरमाइन इस आर्टिकल से जो लॉ को अमेंड किया गया है दिल्ली में वो लॉ में क्या लिखा हुआ है वो लॉ में ये लिखा हुआ है कि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन हैव दे हैव द पावर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वार्ड्स ओके एक्सटेंट ऑफ एरिया ऑफ ईच वार्ड्स नंबर एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल ऑफ दीज पावर्स आर नाउ वेस्टेड विथ वॉट सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्टेड विद वॉट सेंट्रल गवर्नमेंट सो ये आर्टिकल को साइट करते हुए अमित शाह ने यह कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओके कर सकती है दिल्ली के मुंसिपल कॉरपोरेशन के जो भी मैटर से एमेंड ठीक है फाइन और ये लाके चलते ही ओके okay, ये आर्टिकल और इसे जो अमेंडमेंट हुआ है दिल्ली में वो ला के चलते ही द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल हैज बीन फ्रॉम 272 टू 250 272 टू 250 ठीक है द सेंट्रल गवर्नमेंट अब इतना ज्यादा पावर ले ली है दे आर रेडी दे कैन डिसाइड नाउ मैटर ऑफ सैलरी कितनी देना है अलाइंसिस कितने देना है अगर एब्सेंस ऑफ कमिश्नर रहा या ली पे गए तो कौन रहना उनके उनके अलावा कौन बैठ सकते ओके okay, अगर कोई चार्जेस है कमिश्नर के ऊपर ओके okay, सूट्स है उनके ऊपर आगे कंपेंसेशन किस तरीके से देना है मिस एप्लीकेशन म्यूंसिपल फंड का मिस अप्रोप्रिएशन हुआ म्यूंसिपल प्रॉपर्टी किसी को अगर अनऑथोरइजली दे दी गई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्चुअली बेसिकली जो भी मुंसिपालिटी काम करती है जो भी उनका एरिया से कंप्लीटली अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है बेसिकली स्पीकिंग अभी अरविंद जी का ओके okay, कुछ नहीं चलेगा जो भी चलेगा अमित शाह जी का चलेगा बेसिकली ओके okay, तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट मैटर्स हो चुका है और ये सब जो भी किया गया है ओके बाय द गवर्नमेंट ओके इट हैज़ बीन डन विदाउट एनी कंसल्टे विद दिल्ली गवर्नमेंट नॉर एनी स्टेक होल्डर्स जो जो भी एक्चुअली इन्वॉल्व थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली में ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स को पूछा गया है ना दिल्ली मुंसिपल कॉरपोरेशन को पूछा गया है ना दिल्ली की गवर्नमेंट को पूछा गया है यूनिनेटरली अमित शाह जी ने ये प्रपोजल रखे और ये पास भी कर दिया है ओके okay, लॉ और वो एडमिनिस्टर भी करना शुरू कर दिए हैं ओके उतना एक्सटेंड पे ये वन वन साइड पूरा लॉ आया है ओके okay. इस वजह से एक डेंट इन फेडरल स्ट्रक्चर हो गया है फेडरल स्ट्रक्चर अच्छा खासा था अमित शाह जी ने उस उसपे ऊपर डेंट मार दिया है डेंट बोलते तो दबा दिया है फेडरल स्ट्रक्चर को ओके द सेंट्रल गवर्नमेंट ओके कॉशियसली चूजन टू ओवर लुक पार्ट बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि अमित शाह ने पार्ट नाइन ए को ओवरलुक कर दिया है पार्ट नाइन ए में क्या है द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली स्टेट विल बी द लेजिस्लेचर शुड बी एनपावर टू मेक लॉस म्यूनसिपालिटीज सो पार्ट नाइन्थ ए में पार्ट नाइन्थ ए में प्रॉपरली है स्टेट का जो लेजि होगा यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर जो होगा वो ही लेंगे मुंसिपालिटीज काम करे ओके okay, और आर्टिकल पार्ट नाइन्थ ए तो अमित शाह ने छोड़ दिया है उसको तो कंसिडर ही नहीं करे बट वो आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए ए का दिलासा दे इसकी पुकार लगा के एमेंड हम कर सकते हैं बोल के वो कर दिए हैं ओके, बट इट इज नॉट एट ऑल राइट अकॉर्डिंग टू ठीक है क्योंकि एक general law था, general law था to govern what? Delhi की to govern general law था, की करने के लिए, जब एक स्पेसिफिक एक लॉ आ ही चुका है अंडर पार्ट नाइन थे एक स्पेसिफिक लॉ आ ही चुका है आप एक स्पेसिफिक लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते विद ए जनरल लॉ विद जनरल लॉ ओके जनरल लॉ तो नहीं है तो टाइम पे यूज कर सकते हैं बट बना ही दिए हैं ओके जस्ट लाइक वुमेन एमपावरमेंट में वुमेन एमपावरमेंट में वुमेन एमपावरमेंट एक्ट बनाए हैं आप वुमेन एमपावरमेंट एक्ट बना के आप वुमेन को पोलिटिकल में स्पियर uh, में प्रमोट कर रहे हैं वहां पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कर रहे हैं एजुकेशन में कर रहे हैं इकोनॉमी में कर रहे हैं लोन देने में कर रहे हैं ठीक है तो ये जनरल लॉ होगा आप ट्विक कर सकते हैं आप ऊपर नीचे कर सकते हैं बट समझिए इसमें से चार दो चार आइटम्स स्टेट को ही हम स्पेसिफिक दे दिए भाई वुमेन को कितना पैसा देना है लोन में आप ही डिसाइड करो बोल के बोल दिए इसका एक अमेंडमेंट भी लाए पास भी कर दिए अब स्पेसिफिक लॉ उनके वो टॉपिक के लिए बना दिए ओके okay, कितना लोन देना है वुमेन को वो स्पेसिफिक लॉ आप ही डिसाइड एक स्पेसिफिक लॉ बना दिए फिर आप जनरल लॉ कैसा अमेंड करते नहीं कर सकते राइट सो दिस इज़ वॉट हैज़ कॉन्ट्रोवर्शियल एंड विच इज़ वॉट इज ए डेथ टू वॉट ए पंच टू वर्ड फेडरलिज्म ठीक है फाइन फर्दर फर्दर अभी सबसे सोने पे सुहागा क्या हो गया पहली बात तो ये आर्टिकल 239 ए क्या ये ओरिजिनली प्रेजेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कब आया ये 1999 में आया इससे पहले एक्ट कौन आया सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन ये आया ओके okay, तो ये जब आया ठीक है तो ये पहले ही था ओके इट वॉज इंसर्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन सेवेंटी अमेंडमेंट एक्ट एंड ये एक्ट सक्सीड हुआ सिक्सटी अमेंडमेंट एक्ट ओके तो पहले तो सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट आया था इन टू एग्जिस्टेंस तो पहले का एक्ट की चलना या बाद की की एक्ट चलना तो दैट इज़ इट इज मीनिंगफुली कंक्लूडेड दैट अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन यही था कि पार्लियामेंट को एक्साइज करना था दिल्ली के ऊपर कंट्रोल या सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज करना था दिल्ली के ऊपर कंट्रोल तो इस तरीके से घुमा घुमा के आने से अच्छा था डायरेक्टली पार्ट नाइन्थ एम से ही निकाल देते यूनियन टेरिटरी दिल्ली को तो काम ही काम ही हो जाता इट इज़ प्रॉपरली सेइंग दैट स्पेसिफिकली स्पेल्ड सो स्पेसिफिकली बोल ही देते कि दिल्ली अभी ये एक्ट से सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट से नहीं गवन की जाएगी सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट से नहीं गवन की जाएगी आज से दिल्ली दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अभी अमेंडमेंट एक्ट आया है इससे ही गवन की जाएगी ऐसे ही बोल देते बट ऐसा खाने की क्या जरूरत थी ऐसा खा लिया तो हो ही जाता था दैट इज वॉट द एडिटोरियल ऑफ सेंग और एक क्या था जब याद रखिए आप पहली बात तो दिल्ली का एक ही मुंसिपल कॉरपोरेशन था ओके okay, बाद में ये 2011 में ईस्ट साउथ और नॉर्थ दिल्ली तीन कॉरपोरेशन बने हैं दो में और ये तीन कॉरपोरेशन ऐसे ही नहीं बन गए जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो ऐसे ही नोटिफिकेशन देके बिल पास करके नहीं बना दी थी एक प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ था एक एलोबरेट डिलीब्रेशन हुआ था डिस्कशन बहुत सारे लेवल पे डिस्कशन हुआ था कि क्या हम दिल्ली कॉरपोरेशन को स्प्लिट कर सकते हैं या नहीं तो 1987 में बालाकृष्ण कमेटी बनाए थे 2001 में वीरेंद्र प्रकाश कमेटी बनाए थे कि ये कमेटीज़ को ये बोला गया था कि बताइए कि दिल्ली को अगर हम तीन में डिवाइड करते थे तो अच्छा होगा या बुरा होगा तो ये लोग बोले अच्छा होगा एक सेवन मेंबर दिल्ली लेजिस्लेटिव कमेटी कमेटी भी पैनल व सेटअप इन टू उन्होंने भी करा था कि यस अच्छा है तीन में डिवाइड करें तो गवर्नेंस अच्छा होगा राइट right. और ये पूरे डेली के थे डेली अपॉइंटेड कमिटीज थे उसके बाद में एक सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करना था एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद की भी अपॉइंट करी थी ओके अशोक प्रधान कमेटी टू स्टडी द इशू कैन वी बाईफरकेट ट्राई दी दिल्ली कॉरपोरेशन इंटू थ्री तो इतना ज्यादा कंसल्टेसन हुआ था जब दिल्ली का बाइफ़रकेशन ट्राइफ़रकेशन हो रहा था एंड फाइनली दाइफर्केशन टू प्लेस इन टू थाउजेंड एलेवन ओके दट वो ये लॉ एंड लॉ पास किया गया था टू ट्राई फर्केट दिल्ली मुंसिपल कॉरपोरेशन इंटू नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट बट अभी का जो यूनिफिकेशन है अभी का जो यूनिफिकेशन है विदाउट एनी स्टडी कोई कमिटी नहीं बनाए कोई कंसल्टेशन नहीं करे डायरेक्टली मुंह पे थोप दिए दैट इज वॉट इट इज आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए ए फ्रॉम इट्स वेरी इन एक्टमेंट इट बीन फॉर द वेरी वेरी बिफोर पहले से ही इट इज सब्जेक्टेड टू मेनी लिटिगेशन ओके सुप्रीम कोर्ट बात बात को इंटरफेयर करना पड़ा इसमें एंड फेमस केस ऑफ फेमस केस बिटवीन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था विद रिगार्ड टू दिस एक्ट आर्टिकल 239 थर्टी ए ए के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार केसेस गए हैं दिल्ली एंड यूनियन गवर्नमेंट लड़ लड़के बहुत बार गए हैं 2018 में एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था ये कोर्ट कोर्ट ने प्रॉपरली कहा था द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मैंडेटेड ए फेडरल बैलेंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ना सुप्रीम यूनियन यूनियन को ज्यादा पावर से ना स्टेट को ज्यादा पावर से एक बैलेंस प्रॉपरली होना चाहिए इस तरीके से मेंशन गवर्नमेंट ओके सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर उनको एक सर्टेन डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही गया है वो कोई नहीं सेंट्रलिज्म ए बैलेंस फेडरल स्ट्रक्चर मैंडेट दैट यूनियन शुड नॉट टेक अप ऑल पावर्स एंड द स्टेट एंजॉय फ्रीडम विदाउट एनी अनिस्टेटेड इंटरफियरेंस देंट्रल गवर्नमेंट सो यूनियन बेतु के ओके okay, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट में उनका कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक प्रॉपर रोल है उनका कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉपरली एक प्लेस है और वो प्लेस उनकी इंडिपेंडेंट है उनको एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनोमी दे चुके हैं ओके okay, तो आप एक बैलेंस फोर्स करिए जब भी आप लॉ बनाते हैं जिससे उनकी अटोनॉमी इंडिपेंडेंस वैसे ही बने रहे और आपको जो चाहे आपको वो मिल भी जाए सो दिस इज व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वाज देयर इन द ईयर 2018 दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर हैव अ नाइस डे इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे